नमस्कार मैं तंत्रा आपका स्वागत करती हूँ श्रृंखला महाभारत की कथाएं कथा, कथा दृष्टुम के जन्म की अगर आपको यह कथा पसंद आए तो कृपया कर मेरा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें द्रोण ऋषि भारद्वाज के पुत्र थे और द्रुपद एक राजकुमार थे जब वे दोनों ऋषि भारद्वाज के गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तब वे दोनों घनिष्ठ मित्र बन गए इन दोनों में द्रोण ज्यादा बुद्धिमान होने के कारण द्रुपद की शिक्षा के संबंध में सहायता किया करते थे द्रुपद ने उस समय द्रोण को वचन दिया कि जब वे बड़े होकर राजा बन जाएंगे, तो वे अपना आधा राज्य द्रोण को दे देंगे कई वर्ष बीत गए दोनों द्रुपद और द्रोण बड़े हो गए और दोनों का विवाह भी हो गया ध्रुपद पांचाल के राजा बन गए और द्रोण एक दिन हीन ब्राह्मण ही रहे एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि द्रोण ने देखा कि उनका पुत्र अश्वत्थामा भूख से तड़प रहा है तो द्रोण को ध्रुपद का वचन याद आया इसीलिए वे अपने मित्र के पास उनसे मिलने गए उनका आधा राज्य मांगने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ एक गाय मांगने के लिए ताकि उसका दूध पीके उनके पुत्र का पेट भर सके पर ध्रुपद ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा कि मित्रता तो सिर्फ बराबरी वालों में होती है अगर तुम मेरे पास एक दीनहीन ब्राह्मण की तरह आए हो तो मैं भिक्षा में तुम्हें जरूर एक गाय दे सकता हूँ लेकिन अगर तुम मेरे मित्र की तरह अपना अधिकार मांगने के लिए आए हो तो मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा द्रुपद के यह वचन सुन द्रोणाचार्य बहुत आहत हुए और उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि मैं अपने इस अपमान का बदला लेकर रहूंगा अपनी इस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए द्रोण परशुराम के पास गए और उनका शिष्य बन उनसे शिक्षा प्राप्त करी परशुराम ने अपने शिष्य द्रोण को कई दिव्यास्त्रों का ज्ञान दिया इसके पश्चात द्रोणाचार्य हस्तिनापुर पहुँचे और उनको कौरवों और पांडवों का गुरु नियुक्त कर दिया जब कौरव और पांडव अपनी शिक्षा पूर्ण कर चुके थे तो आचार्य द्रोण ने उनसे अपनी गुरु दक्षिणा स्वरूप पांचाल के राजा द्रुपद को पकड़ लाने को कहा दुर्योधन के नेतृत्व में कौरवों ने पहले आचार्य द्रोण से राजा द्रुपद को पकड़ने की अनुमति मांगी कौरव अपने संग कुरु सेना भी लेके गए और उन्होंने पांचाल की राजधानी काम्पिल्य हमला बोल दिया कौरव बुरी तरह द्रुपद के हाथों पराजित और लज्जित होकर हस्तनापुर वापस पहुँचे इसके पश्चात पांडवों ने आचार्य द्रोण से द्रुपद को पकड़ लाने की अनुमति मांगी आचार्य द्रोण का आशीर्वाद लेने के पश्चात पांडवों ने काम्पिल्य हमला बोल दिया द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य अर्जुन ने द्रुपद को हराकर उसे बंदी बना दिया इसके पश्चात पांडवों ने द्रुपद के हाथ बांध दिए और उन्हें पूरे रास्ते घसीटते हुए लेके गए और उन्हें आचार्य ड्रोन के चरणों में पटक दिया जिस क्षण द्रुपद ने ड्रोन को देखा वे समझ गए कि इन युवा लड़कों ने उन्हें बंदी क्यों बनाया है और उनके संग इस तरह का व्यवहार क्यों किया अब ड्रोन ने कहा हम आपस में बोल नहीं सकते हैं क्योंकि तुम मेरे बराबरी के नहीं हो बल्कि मेरे दास हो परंतु क्योंकि हम कभी मित्र थे इसीलिए मैं तुम्हारे प्राण नहीं लूँगा और तुम्हें मैं अपना आधार राज्य भी दे रहा हूँ क्रोध शर्म और घृणा से भरे हुए द्रुपद ने पुत्र कर्मक यज्ञ किया द्रुपद इस यज्ञ के फल के रूप में एक पुत्र चाहते थे जो द्रोण को मार सके उस यज्ञ से एक युवक धृष्टद्युम और एक युवती द्रौपदी का जन्म हुआ इन दोनों की उत्पत्ति अग्नि से एक मात्र उद्देश्य के लिए हुई थी वो था बदला